कैसे आप लोग आप सभी बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस ये अपने एक्सरे कोर्स की सीरीज है जिसके पार्ट नंबर 39 है एक्सरे ट्यूब आउटलोड प्रोडक्शन सर्किट। जो एक्सरे ट्यूब के अंदर एक सर्किट होगा जो कि आउटलोड प्रोटेक्ट करेगा, आउटलोड प्रोटेक्ट करेगा इट मींस लाइट वहां हीट वगैरह को मेंटेन करेगा। अगर हो सकता है ज्यादा हीट हो रही है तो उस मशीन को स्विच ऑफ कर देगा। सेम लाइन दैट ये कांसेप्ट अपने घर में क्या होता है, जब आप एमसीबीज लगाते हैं तो एमसीबीज अगर अपना इलेक्ट्रिक का लोड या फिर पावर लोड बढ़ रहा है तो ये एमसीबी अपने आप डाउन हो जाएगी ना, या फिर कुछ कहीं फॉल्ट हो रहा है, कहीं शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है तो एमसीबी अपने आप डाउन हो जाएगी, वहां वोल्टेज को काट देगी। सेम लाइक दैट एक सर्किट होता है, सर्किट क्या होता है एक लूप होगा ना एक पूरा, सेम लाइक दैट वहां अपने एमसीबी की तरह इसके अंदर एक लूप देखने को मिलेगा, एक सर्किट देखने को मिलेगा जो कि आवर लोड से प्रोटेक्ट करेगा एक्सीलेट ट्यूब को। ठीक है गाइस, तो अभी इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक सा कवर करते हैं, तो चलिए गाइस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी कवर अप करते हैं। सबसे पहले ये देखो गाइस अपने को हाई वोल्टेज करंट की सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी, हाई वोल्टेज करंट रिक्वायरमेंट होगी। ये हाई वोल्टेज करंट क्या करेगा गाइस, ये एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है गाइस, कैथोड से एनोड की तरफ क्या जा रही है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे प्रोड्यूस हो रहे इस हाई वोल्टेज करंट के कारण। अपन ने बात की थी एक्सरे प्रोडक्शन की 10वीं 11वीं वीडियो में, तो बहुत आगे गए। तो ये देखो गाइस वहां थर्मोनिक इमिशन के कारण वहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन रहा है, और उस क्लाउड को फिर आप करंट देंगे एनोड से कैथोड, तो फिर कैथोड से एनोड की तरफ अपोजिट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट आपको पता है गाइस फ्लो करता है, तो वो उस पर रिडायरेक्ट होकर फिर वहां अपने को एक्सरे प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इस कंसेप्ट के अंदर क्या होगा गाइस, अपने को क्या देखने को मिलेगी, सिर्फ 1% एक्सरे देखने को मिलती है और बाकी 99% क्या होती है हीट देखने को मिलेगी। क्या है गाइस, हीट देखने को मिलेगी। और ये हीट का क्या कंसेप्ट रहता है गाइस, ये जो हीट निकल रही है ना यहाँ 99% हीट, ये हीट क्या कर सकती है पूरी ट्यूब को ही खत्म कर देगी। कोई भी चीज को अगर आप ज्यादा आप बार बार गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर इस बोर्ड को मैं अगर हीट करूँ तो पिघल जाएगा एक टाइम में, अगर वही लोहे की मैं रोड ले रहा हूँ उसको अगर हीट करता हूँ फुल उसको एक्सटेंसिव हीट प्रोवाइड की जाए तो वो पिघल जाएगी ना, तो यही कंसेप्ट यहाँ रहता है गाइस। तो ये देखो अगर एक्सरे ट्यूब के अंदर अगर बार बार वहां हीट प्रोड्यूस की जा रही है, क्योंकि वहां अपन एक्सपोजर भी यूज करें, बार बार अपन मशीन को यूज करें, बार बार वहां हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितनी 99% हर एक्सपोजर का कंसेप्ट यही है। तो वहां क्या होगा गाइस, एनोड की सेल डीमोड ये डिफॉर्म हो जाएगी, एनोड की सेल डिफॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा गाइस, एनोड एंगल चेंज हो जाएगा, ये इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर वो सारी चीजें अगर चेंज हो रही है तो अपने को क्या होगा गाइस, अपने को प्रॉपर एक्सरे नहीं देखने को मिलेगी, मींस प्रॉपर इमेज अपन नहीं ले पाएंगे क्योंकि प्रॉपर वहां एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हो रही है, उनकी अलाइनमेंट ज्यादा प्रॉपर नहीं होगी। तो ये सिंपली कह सकते हैं ये पूरी ट्यूब को भी खत्म कर सकती है, अगर ये हीट ज्यादा हुई है ना एक लेवल से तो यहाँ क्या होगा, ये पूरी ट्यूब अपनी बोल जाएगी, ट्यूब बोल जाएगी, इट मीन्स की ट्यूब अपनी खत्म हो जाएगी, ट्यूब फट सकती है उस टाइम। ठीक है, फटने का इट मीन्स है कि उसका जो वैक्यूम है वो कवरअप वो निकल जाएगा। अगर वैक्यूम निकल गया तो वहां अपने को गाइस आप सबसे पहले ही कवरअप कर किया था ना कि वैक्यूम एक्सरे ट्यूब में क्यों रहता है, ताकि वहां उस वहां कोई एयर ना प्रेजेंट हो। अगर वो ट्यूब फटेगी, ट्यूब टूटेगी, ट्यूब में कोई क्रैक आएगा तो वहां एयर आएगी, फिर वैक्यूम खत्म, तो फिर अपना एक्सरे ट्यूब का कोई काम वहां नहीं रहेगा, क्योंकि वहां एक्सरे नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे प्रॉपर तरीके से, वहां लीकेज वगैरह का कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ देखो गाइस कितने लोसिस होगी, यहाँ क्या हो जाएगा लोसिस हो जाएगा। और अभी इन लोसिस के अंदर अपने को क्या क्या कंसेप्ट देखने को मिलेगा गाइस, ये देखो अगर ये जो लोस हो रहा है ये बार बार हीट हो रही है तो इससे क्या होगी, एक्सरे ट्यूब की क्या हो रही है गाइस, एक्सरे ट्यूब का लाइफ स्पेन क्या हो रहा है कम हो रहा है, लाइफ स्पेन क्या हो रहा है गाइस डिक्रीज हो रहा है, लाइफ स्पेन के साथ साथ क्या हो रही है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है गाइस, तो ये अगर ये दो फैक्टर ये अपने आप में काफी है कि एक्सरे ट्यूब में अपने को आउटलोड प्रोटेक्शन का सर्किट लगाना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और ये क्या कहें जो आउटलोड प्रोटेक्शन का सर्किट है ये क्या करेगा, पेशेंट की भी सेफ्टी करेगा और जो स्टाफ होगा उसको भी सेफ रखेगा, पेशेंट की भी सेफ्टी होगी, स्टाफ की भी सेफ्टी होगी, ये आने वाली वीडियोज में कवरअप करेंगे, यहाँ तक बेसिक साइज के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट की भी सेफ्टी हो रही है और स्टाफ की भी सेफ्टी अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, तो इन कंसेप्ट के अंदर ये पेशेंट सेफ्टी वाली बात करी था, तो यहाँ आप एक चीज को यहाँ उसके अंदर एक इंटीग्रेट कर देंगे, एक्सरे ट्यूब आउटलोड प्रोटेक्शन सर्किट ये उसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे। और इसको इंस्टॉल कर देंगे तो इससे क्या होगा गाइस, ये जो भी हीट जो अपना ये लॉस हो रहे थे ना, जो ट्यूब लॉस हो रहे थे, ये अपने ट्यूब लॉस वगैरह ये कम हो जाएंगे। अगर ये चीजें कम हो जाएगी तो अपने लाइफ स्पेन क्या होगा गाइस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर लाइफ स्पेन इंक्रीज हो रहा है ट्यूब का और सारे इन लॉसेस को अपन बचा पा रहे हैं तो अपने को क्वालिटी भी अपने को बेटर देखने को मिलेगी। और ये क्या करते हैं गाइस, जो भी एक्सेसिव हीट थी ना, मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सरे ट्यूब सर्किट जो इस हीट
इस हीट से इस ट्यूब को प्रोटेक्ट करते हैं। सेम लाइक कंसेप्ट एमसीबी वाला, अगर घर के अंदर कुछ भी अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो रही तो एमसीबी डाउन हो जाएगी ना, उससे क्या होगा गाइस, और जो जो अपने सब्सटेंस थे और भी मटेरियल्स थे अपने घर के अंदर, वो भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस थे, वो सारे बच गए ना, वरना क्या पता उनके अंदर शॉर्ट सर्किटिंग के कारण कुछ इशू हो सकता था। सेम कंसेप्ट यहाँ देखने को मिलेगा, ये क्या करेगा उस कंसेप्ट को, उस पूरे सर्किट को ब्रेक कर देगा। अगर सर्किट ब्रेक हो गया तो अपनी ट्यूब भी सेफ रहेगी, तो इस हीट से मैं किसे अपने को प्रोटेक्ट करे अपने एक्सरे ट्यूब को इस हीट से। ये ठीक, ये जो सर्किट है गाइस, ये जो सर्किट्स होंगे, ये जो किस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे, ये इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे कि क्या क्या चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं गाइस। ये ट्यूब करंट को कंट्रोल कर रहे होंगे, अब जो एक्सरे ट्यूब का करंट होगा उसको ये कंट्रोल कर रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा गाइस, ट्यूब वोल्टेज को ये करंट मेंटेन कर रहे होंगे, ट्यूब वोल्टेज एंड देन फिर एक्सपोजर टाइमिंग। तो सिंपली बात की जाए तो ये जो सर्किट है आउटडोर प्रोटेक्ट सर्किट है, ये किसके साथ कनेक्ट रहेगा, एमएस और केवीपी के साथ कनेक्ट रहेगा, या किलो वोल्टेज पीक और मिली एम्पीयर सेकंड, इनको भी ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा। एंड एक चीज और है, वो जो आउटडोर प्रोटेक्शन होगी, जो एमएस केवीपी होगी, अपन लिमिट तक यूज करते हैं ना, वही जो लिमिटेशन वहां सेट की होगी, ये क्या होगा, ये इनके अंदर एक लिमिट सेट होगी, अगर ये लिमिट एक्सीड करते हैं तो ये सर्किट क्या करेगा, एक्सीड को आगे काम करने के लिए बोल देगा, मना कर देगा, मींस आगे सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक होते ही जो अपने एक्सेल ट्यूब काम नहीं करेगी, मींस ये ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट क्या करेगा, एक्सेल ट्यूब को बोल देगा भाई चीजें ओवर ओवर हो रही है, अब ज्यादा अपन धक्का नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, ये कंसेप्ट इसके अंदर रहता है। ठीक है गाइस, ये छोटा सा कंसेप्ट रहता है अपना एक्सेल ट्यूब ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट का। इट मींस कि अगर एक्सेल ट्यूब की जो लिमिट सेट की होगी, ये जो एक्स ट्यूब करंट सेट होगा, वोल्टेज होगी, एक्सपोजर टाइमिंग होगा, अगर आपने मान के लो तो प्रॉपर टाइमिंग सेट कहता है, अगर उससे अगर आप ज्यादा एक्सपोज कर देंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लिमिट एक्सीड हो रही है, वोल्टेज एक्सीड हो रही है, लिमिट ट्यूब करंट एक्सीड हो रहा है, तो ये एक्सेल ट्यूब आगे उससे ज्यादा काम नहीं करेगी, और वहां से आगे काम नहीं करेगी, तो मीन्स अपना सर्किट ब्रेक है, तो बस एक्सेल ट्यूब अपनी वहां ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगी। स्विच ऑफ मीन्स जो अपना एक्सपोज होना था जो हो चुका है, अब अपने एक्सेल ट्यूब ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये कंसेप्ट रहता है इसका आउटलोड प्रोटेक्शन का। ये क्या करता है गाइस, सिंपली अगर बात की जाए तो, अगर इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो, ये जो जो एक्सेल ट्यूब में जो हीट निकल रही है, इस हीट से जो लॉस हो रही है, उन लॉस से इस एक्सेल ट्यूब को ये बचा रहे होते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में गाइस इतने एक्सेल ट्यूब ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में, तो आई होप आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ आ गया होगा इन इजी लैंग्वेज में समझाया गया। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए, वहां मैंने इनको और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, ताकि आप एग्जाम्स वगैरह में उनको अच्छे तरीके से लिख पाओ, तो अपनी वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे तो आपको इसके पूरे नोट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, और गाइस आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी सोशल मीडिया पर जाके पूछ सकते हो, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना गाइस, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अभी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।